क्रिसमस में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम ईश माता मरियम का पर्व मना रहे हैं। आप सभी को ईश माता मरियम का खुश पर्व और नया वर्ष का भी खुश पर्व। प्रिय मित्रों, आज वर्ष का प्रथम दिन है। प्रत्येक वर्ष हम नूतन वर्ष के अवसर पर 31 दिसंबर की रात से ही जागरण करके नए वर्ष का स्वागत गर्मजोशी के साथ करते हैं। नए वर्ष का आगमन लोगों को पुराने वर्ष की खट्टी मीठी यादगारों को भूलकर नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। इस शुभ दिन को लोग बिताने के लिए विभिन्न तैयारियां करते हैं। सबसे उत्तम रीति से इस दिन को बिताने का जरिया कहे तो वो है पिकनिक, जिसमें हर वर्ग जाति समुदाय के लोग जमकर भाग लेते हैं। ये तो रही हमारी लौकिक और सामुदायिक तैयारियां। आध्यात्मिक रूप से इसे मानने का उद्देश्य यह है कि हम वर्ष भर से मिले कृपा दानों के लिए ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करते हैं। मानव जीवन सुख और दुख के इन दो पहलुओं से होकर गुजरता है। हमारा ध्येय और प्रार्थना यही रहता है कि ईश्वर हमें नए वर्ष में प्रचुर आशीष एवं कृपा प्रदान करे। आज का यह दिन क्रिस्तीय कलीसिया के लिए और भी अहम हो जाता है, क्योंकि यह दिन ईश माता मरियम का पर्व के रूप में मनाया जाता है। कितना सटीक समय है जब हम नए वर्ष की शुरुआत माता मरियम के संरक्षण में करते हैं। हर किसी के जीवन में माँ का एक अलग स्थान रहता है। कलीसिया में भी धन्य कुंवारी मरियम का अलग स्थान है। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु की माँ बनने के कारण हमारे जीवन में भी माँ मरियम का एक अलग स्थान है। आइए हम माँ मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना करें प्रभु यीशु से, ताकि इस नए वर्ष में प्रभु हम सबको खुश रह के और हम सभी के साथ हमेशा रहें।